एक दो तो हर साल इसमें मर जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर उस बेटे ने अग्नि कुंड के अंदर बहुत बड़ा हवन किया और उस अग्नि कुंड के अंदर सभी के सभी सांपों को झोंक डाला था। तो बड़ी बड़ी मछलियां, इतने इतने भारी लंबे कछुए होते थे, यहाँ आते थे, नहाते थे। सांपों का विनाश करने वाला ये कुंड हर साल किसी ना किसी मनुष्य की बलि जरूर लेता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं दिल्ली से एक नए स्थान की खोज में निकल पड़ा हूं। दोस्तों, नया स्थान जो होने वाला है वो एक बेटे के द्वारा अपने बाप की मौत के बदले से संबंधित है और इसी चीज का नाम इस जगह से संबंधित है जिसे आज वर्तमान समय में हरियाणा जींद का सर्प यानी कि सांपों का स्थान ऐसा कहा जाता है, सफीदों जिसका वर्तमान में नाम बनता है और इसका प्राचीन जो नाम है वो हुआ करता था सर्प दमन। तो इस इतिहास को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और इसी से पहले मैं आपको सबसे पास का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर जो आप ये नहर देख पा रहे हैं, ये पानीपत से चलती हुई नहर है ये, और ये सफ़ीदों की नहर यहाँ पे कहलाती है। इसके बाद में ये वाली नहर आगे की तरफ जाएगी और जींद हिसार वाले रूट से आगे की तरफ खेतों में पानी की सिंचाई करेगी। तो आइए हम करते हैं अपनी आज की ये वाली वीडियो शुरू। हम लोग पहुंच चुके हैं इस सफीदों के नाग क्षेत्र सरोवर के पास में और इसी सरोवर से जुड़े हैं हमारे इतिहास के काफ़ी सारे तथ्य हैं और उन तथ्यों में एक ऐसा फैक्ट जिस चीज़ को सुनने के बाद में आप लोग भी कहेंगे क्या वो बात आज के समय में भी देखने को मिलती है या फिर नहीं मिलती है। तो इसके अंदर जाने का ये वाला रास्ता बनता है जहाँ से हम लोग उस पॉइंट की तरफ पहुँचेंगे, उस अग्नि कुंड की तरफ पहुंचेंगे जहां पर सभी सांपों को उस कुंड में जला दिया गया था। और अंदर के इस व्यू में इधर थोड़ा सा पार्क का व्यू हमें दिख रहा है और इसी के साथ में यहां पर इस कॉर्नर पॉइंट पर एक छतरी बनाई गई है जो कि ऑक्टागनल फॉर्म में है, काफ़ी प्राचीन बताते हैं इस छतरी को। और आज इस छतरी को बचाने के लिए इस पर रंग रोगन का काम भी किया गया है। इसी के साथ साथ में यदि हम बात करते हैं तो इसके चारों कॉर्नर पॉइंट पे ये छतरियाँ बनाई गई थी जैसे कि इस कॉर्नर पॉइंट पे बनाई गई है। और ये पूरे का पूरा, पहले आप ये सरोवर देखिए, इस सरोवर को कहा जाता है नाग सरोवर और यहाँ पे काफ़ी सारी मान्यता इस जगह की पवित्रता जुड़ी हुई है। इस चीज़ को हम आगे जाकर और अच्छे तरीके से आज करने वाले हैं एक्सप्लोर। जैसे सिक्के, सोना, चांदी, अंगूठा, इसमें ऐसे मानते थे। अच्छा। तब तक तालाब को सुखाया नहीं गया था। जब तक, जब से इस तालाब को पानी सारा निकाल के और इसकी मिट्टी दिखी, उसके अंदर ना तो वो कुएं दिखे ना कुछ नहीं था, प्रतीत हो रहा था कि भी इससे ना नाग क्षेत्र की सच्चाई गुम सी हो गई है। हमारे पूरे हलके में भी ऐसा हो गया था, सन्नाटा सा छा गया था और भाई तालाब सूखने से कुछ चला गया है। उसके बाद तो फिर सूखने के बाद तो इसके है ना सब कुछ खुल गई, नहीं तो यहाँ तो बड़ी बड़ी मछलियाँ, इतने इतने भारी लंबे कछुए होते थे, यहाँ आते थे, नहाते थे हम। अच्छा। तो कुछ नहीं कहते थे, हमने अपनी आँखों से देखा है ये। तो ये दो तीन बार तो जब स्कूल में पढ़ते थे पार भी किया हुआ है। शहर की बहुत अच्छी, ये पास में ही रामलीला ग्राउंड है। जी जी जी। तो ये चीज़ें बहुत पुरानी हैं और जो हमारे सफीदों शहर के अंदर इसका अच्छी तरह है, मतलब कि लोग मानते हैं, कहते हैं भाई ये नाग क्षेत्र नाग इसका जाने का मेन रास्ता है। हाँ, ये मेन रास्ता है यहाँ से पेड़ियां बनती अंदर जाने के लिए। हाँ जी। दोस्तों, सफीदों का पुराना नाम सर्प दमन और इसी के अंदर बना है ये नाग क्षेत्र। जब इसके अंदर आप लोग आएंगे तो इस तरफ आपको ये गेट नुमा जो आकृति दिखाई देंगी, ये सारी बताई जाती हैं बारादरी। ऐसा बताते हैं कि प्राचीन समय से इसको बारादरी कहते हैं और इस जगह का जो इतिहास है वो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है और उसके बाद में जो जींद के राजा बने थे वो बात आते हैं 18वीं शताब्दी की। वहाँ तक इस चीज़ के तथ्य और इतिहास के पन्ने आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। बात है ये कलयुग के शुरुआती समय की और अभिमन्यु के बेटे राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ पर अपनी तीर से
एक हिरण को घायल कर देते हैं, परंतु हिरण बचता बचाता जंगल की ओर भाग पड़ता है। और उसी की खोज में अब महाराजा परीक्षित घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि महर्षि शमिक ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं। उनसे कई बार पूछा कि क्या आपने यहां पर किसी हिरण को देखा है, परंतु ध्यान लगाने की वजह से महर्षि शमिक शांत बैठे रहे। और इसी बात से महाराजा ने अपना विवेक खो दिया और एक मरे हुए सांप को उनके गले में डाल दिया। जब इस बात का पता महर्षि के बेटे श्रृंगी को लगा तो उन्होंने शपथ ली कि मैं अपने पिता के इस अपमान का बदला महाराजा परीक्षित की मौत से लेना चाहता हूँ। और श्राप में कहा कि सातवें दिन एक तक्षक नाम के सांप के द्वारा, सर्प के द्वारा महाराजा को डसने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसका नाम सबसे पहले जो था सर्प दमन था जी, बहुत पुराने समय में सर्प दमन से बिगड़ करके इस शहर का नाम ही सफेदों पड़ गया। अच्छा। तो यहाँ पर जन्मे जी ने यज्ञ किया था और सर्पों को नाश किया था। फिर बुजुर्गों ने कहा और उसके साथ से ने कहा भाई एक जोड़ा तो तुम रहने दो नाग और नागिन का, इसका वंश क्यों नष्ट करते हो। फिर ये उन्होंने एक जोड़ा छोड़ दिया था। अब यहाँ का एक और महत्व है सफेदों का कि जब यहाँ पर कोई मृत्यु हो जाती है तो उसके फूल यहीं पर रखे जाते हैं, वहाँ पर नहीं, जब बहुत हरिद्वार में नहीं जाते। आपका काटा हुई कहते हैं या नहीं मरा, परंतु इस तालाब में जो है ना एक दो तो हर साल बताते हैं कि ये तालाब हर साल एक मौत को ले गए, एक दो तो देखो ये तो नहीं कहता बलि लेवे या नहीं लेवे, ये नहीं मैं कह सकता, एक दो तो हर साल इसमें मर जाते हैं। महाराजा परीक्षित की मृत्यु के बाद में उनके बेटे जन्मेजय ने पूरे सर्प वंश को खत्म करने के लिए एक शपथ ली और अब शुरू करवाया एक बहुत भव्य, बहुत बड़ा महा अग्नि कुंड यज्ञ। और इस कुंड के अंदर एक एक करके पूरे ब्रह्मांड के सांप आकर अपने आप गिरने लगे और इसी चीज से तक्षक सर्प डर के मारे भगवान इंद्र के पैरों से लिपट गए और बचने के लिए कहा, परंतु वो यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि कोई भी सांप उनसे नहीं बच पा रहा था। एक मुनि जिनका नाम था आस्तिक, उनके कहने पर इस यज्ञ को रोका गया और सांपों के वंश को समाप्त होने से बचा लिया गया था। गहराई तो बहुत ज्यादा थी पर ये दो तीन बार इसकी खुदाई हो चुकी है। अच्छा, उसमें कुछ घट गई है गहराई इसकी। बनवाया कब गया था यहाँ पे कुछ आपको पता? ये बनवाया था जींद के राजा ने, कभी बनवाया था। अच्छा। और ये राजे का है और ये जो नागक्षेत्र है और मंदिर है ये कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अधीन है, अंग्रेजों के टाइम का नाड़ा बना हुआ है एक उधर से। अच्छा। वो देखो वो पेड़ खड़े हैं ना, उनके उससे ऐसा एक लड़ जा रहे हैं, वो एक नाड़ा बना हुआ है वहां से, उस नाड़े से इसमें आता है। उनकी उनकी क्या थी टेक्निक इसमें, अगर दूर से पानी जाएगा ना तो उसमें रेत या रेती नहीं जाएगी, एकदम तो ऐसे डाल दो आप तो वो उसमें से ऐसे आया करता था। और आप लोगों को ये जो पेड़ दिख रहा है इसके इस वाले हिस्से से बताया जाता है कि यहाँ पर एक ऐसा पाइप लगा हुआ है जो कि अंग्रेजों के समय में लगवाया गया था ताकि इस वाले हिस्से में पानी आ सके। और ये बताया जाता है कि वो ऐसे ऑटोमेटिक आधुनिक तरीके से बनाया गया था कि जब ज़्यादा पानी उस नहर से यहाँ पर आता था तो वापस हो जाता था और इतना पानी यहाँ पे भरा रहता था। सामने की तरफ आप लोगों को एक छतरी और दिखाई दे रही है, ऐसे यहाँ पर कुल मिलाकर चार छतरियाँ हैं हर कोने में, कि यहाँ पर है एक, सामने की तरफ है एक, वहाँ पर हम लोगों को दिख रही है एक, इसके इस तरफ दिख रही है। यहाँ पर एक सूचना दी हुई है कि नहाने के बाद में अपने वस्त्र घाट पर ना छोड़ें, इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है साफ़ सफाई के लिए भी। पहला घाट अभी हमने आपको दिखाया वो वहाँ मर्दाना नहाते हैं, तो उसके बोर्ड पे भी लिखा हुआ था कि भी स्नान करके भीगे हुए वस्त्र यहाँ मत उतारें। और ये है लेडीज घाट, किसी टाइम में ये लेडीज घाट चारों तरफ से बंद होता था, इधर से भी एक गेट होता था, एक इधर से भी होता था।
इसके मतलब कि दो हिस्से होते थे, एक बीच में दीवार होती थी, एक उधर और एक इधर। यहाँ लेडीज स्नान करती थी, लेडीज भी नहाती हैं, कपड़े भी बदलती हैं, तो यहाँ पे इधर पे आदमियों का आना जाना नहीं होता था। नहीं होता था, ठीक है। तो इस जगह का संबंध काफी प्राचीन इतिहास के साथ साथ में ही 18वीं शताब्दी के जींद के राजाओं के साथ में भी बना हुआ है, क्योंकि जींद जब एक नई रियासत बनी तब उस समय इसी तालाब को, इसी नाग क्षेत्र के सरोवर को कच्चे से पक्का बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया गया था। और जींद के राजा गजपत जी के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था, जो आज हमें सीधे तौर पर 18वीं शताब्दी के एक वास्तुकला को शो कर रहा है। इसी के साथ में उन राजाओं का एक बहुत सुंदर मजबूत दुर्ग, एक किला भी बना है, जिसे सफीदों का किला कहते हैं। और ये जो जगह है, जो प्राचीन समय में सर्प दमन के नाम से जानी जाती थी, आज हमारे सामने इस प्रकार से प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो आप लोगों के समक्ष बहुत जल्द लेकर आएंगे, एक नए स्थान के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ।